चाणक्य एक महान विद्वान थे जिनकी बताई नीतियों पर कई साम्राज्य स्थापित हुए। चाणक्य नीति मनुष्य का विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन करती है। अगर हम आचार्य चाणक्य के महान विचारों को विचारों पर अमल करके उन्हें अपने जीवन में उतार लें तो निश्चित ही हमारा जीवन सफल हो जाएगा। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। ये मत सोचो कि प्यार और लगाव एक ही चीज है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये लगाव ही है जो प्यार को खत्म कर देता है। कोई भी शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। यदि आप प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाएं, तो भी उस व्यक्ति से हर हाल में बेहतर होंगे जिसको बिना किसी प्रयास के सफलता मिल गई हो। डर को नजदीक न आने दो, अगर यह नजदीक आ जाए तो इस पर हमला कर दो। खुद का अपमान करा के जीने से तो अच्छा है मर जाना, क्योंकि प्राणों को त्यागने से एक ही बार कष्ट होता है, पर अपमानित होकर जिंदा रहने से बार बार कष्ट होता है। मनुष्य स्वयं ही अपने कर्मों के द्वारा जीवन में दुख को बुलाता है। जब कोई सजा थोड़े मुआवजे के साथ दी जाती है, तब वह लोगों को नेकी करने के लिए निष्ठावान एवं पैसे और खुशी कमाने के लिए प्रेरित करती है। बुद्धिमान व्यक्ति का कोई भी शत्रु नहीं होता। जो लोगों पर कठोर से कठोर सजा को लागू करता है, वो लोगों की नजर में घिनौना बनता जाता है, जबकि नरम सजा लागू करता है वह तुच्छ बनता है। लेकिन जो योग्य सजा को लागू करता है वह सम्माननीय कहलाता है। जिस प्रकार एक सूखे पेड़ को यदि आग लगा दी जाए तो वह पूरा जंगल जला देता है, उसी प्रकार एक पापी पुत्र पूरे परिवार बर्बाद कर देता है। वह जो भलाई को लोगों के दिलों में सभी के लिए विकसित करता चला जाता है, वह आसानी से अपने लक्ष्य प्राप्ति के एक एक कदम आगे बढ़ता चला जाता है। भगवान मूर्तियों में नहीं है, आपकी अनुभूति ही आपका ईश्वर है और आपकी आत्मा ही आपका मंदिर है। सभी प्रकार के भय में से बदनामी का भय सबसे बड़ा होता है। उदारता, प्रेमदायक भाषण, हिम्मत और अच्छा चरित्र कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये सारे जन्मजात गुण ही होते हैं। सबसे बड़ा गुरु मंत्र, अपने राज किसी को भी मत बताओ, ये तुम्हें खत्म कर देगा। जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं। जो व्यक्ति शक्ति न होने पर मन में हार नहीं मानता, उसे संसार की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं, बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। एक समझदार आदमी को सारस की तरह होश से काम लेना चाहिए और जगह, वक्त और अपनी योग्यता को समझते हुए अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। आग सिर में स्थापित करने पर भी जलाती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति का कितना भी सम्मान कर लें, वह सदा दुख ही देता है। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही अनुभव से सीखने को तुम्हारी आयु कम पड़ जाएंगी। हर एक दोस्ती के पीछे अपना खुद का स्वार्थ छिपा होता है। स्वार्थ के बिना कभी कोई दोस्ती नहीं होती, ये एक कटु सत्य है। भाग्य उनका साथ देता है जो हर संकट का सामना करके भी अपना लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। किसने यह सिद्ध किया कि सारी खुशी ही इच्छा है? सब कुछ उस भगवान के हाथों में है, इसीलिए हम में से हर एक को जो है उसी में संतुष्ट होना चाहिए।